नमस्कार, मैं बबीता काजल। आज हम फिर से बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी में अनुवाद के बारे में। अनुवाद पर यह छठा वीडियो है और अनुवाद कैसे करें उस पर यह दूसरा वीडियो है। आइए देखते हैं अनुवाद करने का अगला चरण क्या है। इससे पहले हमने देखा कि हमें अनुवाद करते हुए अवतरण को ध्यान से पढ़ना चाहिए, 2-3 बार वाचन करना चाहिए, उसके कठिन शब्दों, उसके वाक्य तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। जो वैज्ञानिक शब्दावली है या तकनीकी शब्दावली है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए और हमें प्रचलित शब्दों में ही अनुवाद करना चाहिए। उससे आगे हम देखते हैं कि जो जिस भाषा में हम अनुवाद करने जा रहे हैं और जिस भाषा में मूल अवतरण है, दोनों भाषाएं अलग अलग हैं। हर भाषा का अपना एक संस्कार होता है। प्रत्येक भाषा में संदर्भ के अनुसार एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और अलग अलग संदर्भों में अलग अलग शब्द एक सा ही अर्थ देने लगते हैं। अनुवाद करते समय शब्द के स्थान पर शब्द नहीं बिठाना है, ये हमने पहले भी बात की है। उस संदर्भ के अनुकूल प्रचलित शब्द का प्रयोग करना चाहिए। शब्द के स्थान पर शब्द न बैठाकर संदर्भ के अनुकूल प्रचलित शब्द का प्रयोग करना है। उदाहरण के लिए हम होम शब्द को लेते हैं। जब होम शब्द को हम उसमें लिखेंगे तो घर तथा गृह दोनों शब्दों में अनुवाद कर सकते हैं, किंतु जब हम बर्निंग होम लिखते हैं, बर्निंग होम का हमें अनुवाद करना है, तो हम उसे जलता हुआ घर कहेंगे, न कि जलता हुआ ग्रह। इस तरह से होम मिनिस्टर को गृह मंत्री कहा जाता है, न कि घर मंत्री। तो हर शब्द को कहाँ पर प्रयुक्त किया जाता है, उसका प्रचलन कैसा है, ये हमें अवश्य उसमें ध्यान रखना होगा। अब उदाहरण के लिए हम मान लीजिए अंग्रेजी का एक वाक्य लेते हैं और वह वाक्य है कि persons who can differentiate between good and bad can give real justice। अब हम जब इसका अनुवाद विवेकी व्यक्ति ही सच्चा न्याय कर सकते हैं इस रूप में करेंगे, क्योंकि अंग्रेजी में जिसे कहा गया है गुड एंड बैड, जो डिफ्रेंशिएट कर सके गुड एंड बैड में, तो अच्छे और बुरे में अंतर करने वाले व्यक्ति के लिए हिंदी में एक ही शब्द प्रचलित है और वह है विवेकी, जबकि अंग्रेजी में इसका ठीक समानार्थी शब्द कोई भी नहीं है। इसी तरह से अंग्रेजी में कैन गिव जस्टिस प्रयोग प्रचलित है, जबकि हिंदी में जब हम उसे लिखेंगे तो हम लिखेंगे न्याय करना। कैन गिव जस्टिस का अक्षरशः हम पालन करते हुए अनुवाद करेंगे तो न्याय दे सकता है, न्याय दे सकता है नहीं, न्याय करना। न्याय देना वस्तुतः अंग्रेजी के टू गिव जस्टिस का छाया अनुवाद है और हिंदी में यह प्रयोग चल रहा है, किंतु एक अच्छे अनुवादक को दूसरी भाषा की अपनी प्रकृति को भी सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए। उसकी जो प्रकृति है, उसकी जो मर्यादा है, वह उसे ध्यान रखनी होगी। अब हम अगले बिंदु पर आते हैं। जब हम भाषा की बात करते हैं तो हर भाषा की अपनी वाक्य संरचना होती है। अनुवाद करने में हूबहू उसका रूपांतरण हो यह जरूरी नहीं है। दूसरी भाषा की अपनी प्रकृति के अनुसार प्रथम भाषा को दूसरी भाषा में रूपांतरित करना चाहिए। जैसे द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया वॉज ग्रेटली ड्यू टू द न्यूज़पेपर विच अवेकन्ड द इंडियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब इस वाक्य को जब अनुवाद करेंगे तो इसका अनुवाद इस तरह से करना चाहिए कि भारत को स्वतंत्रता बहुत कुछ समाचार पत्रों के कारण प्राप्त हुई है, जिन्होंने भारतीयों में जागृति पैदा की अंग्रेजों के विरुद्ध, बल्कि भारत को स्वतंत्रता बहुत कुछ समाचार पत्रों के कारण प्राप्त हुई, जिन्होंने भारतीयों में अंग्रेजों के विरुद्ध जागृति पैदा की, अनुवाद करना चाहिए। अब हम ये नहीं कह सकते कि भारत को स्वतंत्रता बहुत कुछ समाचार पत्रों के कारण प्राप्त हुई, जिन्होंने भारतीयों में जागृति पैदा की अंग्रेजों के विरुद्ध, इस तरह से नहीं करेंगे। क्रम हम अंग्रेजी वाला नहीं रखेंगे, हम क्या करेंगे, भारत को स्वतंत्रता बहुत कुछ समाचार पत्रों के कारण प्राप्त हुई, जिन्होंने भारतीयों में अंग्रेजों के विरुद्ध जागृति पैदा की। तो उसका सही अनुवाद करने के लिए जो क्रम है वाक्य का, वाक्य की जो संरचना है, उसको भी हमें उसको बदलना पड़ सकता है, उसका ठीक रूपांतरण नहीं हो सकता है। जैसे का जैसी पहली भाषा में है वैसे का वैसा दूसरी भाषा में नहीं हो सकता है। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अनुवाद न शब्द का होता है न वाक्य का, पूरे अवतरण का अनुवाद होता है। इसलिए शब्द और शब्द के संयोजन को, विशेष रूप से वाक्य और दूसरे वाक्य के संयोजन को, इस रूप में देखना चाहिए कि
पूरा ही अनुदित अवतरण में एक संगति होनी चाहिए, एक लय होनी चाहिए, एक सहजता होनी चाहिए, एक सुसंबद्धता होनी चाहिए और एक प्रवाह होना चाहिए। कोई बिखराव, कोई टूटापन और कोई अधूरापन प्रतीत ना हो जिससे अर्थ में आशय में बाधा पहुंचे। और दूसरी बात यह है कि प्रत्येक भाषा में अपनी लोकोक्तियाँ और मुहावरे होते हैं जिनके पीछे उस भाषा का अपनी एक पूरी संस्कृति होती है, संदर्भ होते हैं। तो लोकोक्ति और मुहावरों को हम ज्यों का त्यों अनुवाद नहीं कर सकते हैं और एक भाषा की लोकोक्ति दूसरी भाषा में भिन्न शब्दों एवं संरचना में व्यक्त होती हो ये भी संभव है कि लोकोक्ति और मुहावरों में अलग तरह से समानार्थकता बिठाने की हमें कोशिश करनी होगी, एक अनुवादक को कोशिश करनी होगी। जैसे इंग्लिश में है आई वॉश, जबकि हिंदी में उसका रूपांतरण अब जब हम करेंगे तो हाथ आंख धोना नहीं होगा, उसका अनुवाद होगा हाथ की सफाई। मुहावरे का स्थान मुहावरे ने लिया, लेकिन किस मुहावरे ने लिया? अक्षरशः अर्थ निकालने वाले मुहावरे के स्थान पर आशय बताने वाले मुहावरे ने लिया। तो ऑयली टंग का अर्थ है चापलूस, उसका प्रयोग करेंगे चापलूस शब्द का। इसी तरह से वंस इन ए ब्लू मून, जब ये मुहावरा अंग्रेजी में प्रयुक्त तो होता है तो उसका अनुवाद होगा छठे चौमासे, कभी कभार। इसी तरह से टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, अंग्रेजी में जब हम कहेंगे तो हिंदी में कौन सा मुहावरा लाएंगे इसके स्थान पर? एडी से चोटी तक जोर लगाना। इस तरह हम देखते हैं कि कहीं पर भी अक्षर का तो अर्थ ले ही नहीं रहे हैं, अक्षर से अक्षर परिवर्तित कर ही नहीं रहे। इसी तरह से अंग्रेजी के जो वाक्य हैं उसमें पदों का क्रम कैसे रहता है? उसमें रहता है कर्ता, क्रिया और फिर कर्म, जबकि हिंदी में पदों का क्रम क्या रहता है? कर्ता, कर्म और क्रिया। तो अंग्रेजी से हिंदी के अनुवाद में क्रिया और कर्म के इन जो क्रम की भिन्नता है इसको हमें समझना चाहिए और हिंदी के अपने पद क्रम के अनुरूप ही अनुवाद करना चाहिए। जिस भाषा में हम अनुवाद कर रहे हैं हम उसकी व्याकरण को अनुसरण करते हुए उसके अनुसार करेंगे। अब जैसे दीपक डिलीवर्ड ए लेक्चर, जबकि हिंदी में अनुवाद करेंगे तो लेक्चर पहले आ जाएगा, दीपक ने व्याख्यान दिया, दिया बाद में आया, क्रिया बाद में आ गई। इसी तरह हिंदी में क्रिया रूप सामान्यतः कर्ता के लिंग वचन पुरुष के आधार पर निर्धारित होते हैं, इसलिए अंग्रेजी वाक्य के कर्ता को भली प्रकार पहचान कर उसके अनुसार क्रिया का रूप हमें निर्धारित करना चाहिए। जैसे द पीपल ऑफ इंडिया वर मोर और लेस पीसफुल बिफोर द ब्रिटिशर्स केम, इसका हिंदी अनुवाद अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारतीय जनता कमोबेश शांत ही थी, ये किया जाता है। इसलिए हमने पीपल का अनुवाद जनता जनता किया है, स्त्रीलिंग किया, एक वचन किया। यदि पीपल का अनुवाद लोग किया जाता हो तो क्रिया के लिंग और वचन दोनों ही बदल जाते। भारत के लोग कमोबेश शांत ही थे, अतः अनुवाद से पूर्व हमें कर्ता की पहचान करना भी जरूरी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें बहुत ध्यान रखनी चाहिए। अब जैसे अंग्रेजी में आर्टिकल और प्रेपोजिशन के प्रयोग का विशेष स्थान है, जबकि हिंदी में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, और बहुत सारी जगहों पर प्रेपोजिशन के स्थान पर भी प्रयुक्त होने वाले कारक चिन्ह भी शून्य होते हैं। हिंदी की प्रकृति के अनुसार अंग्रेजी के इस वाक्य ही इज ए स्लेव का अनुवाद वह एक गुलाम है के स्थान पर वह गुलाम है करना ठीक होगा। तो हम देख रहे हैं भाषा के अनुसार उसकी वाक्य की प्रवृत्ति संरचना जो है वो बदल रही है। कुल मिलाकर निष्कर्ष यही निकलता है कि कोई भी कार्य है हम अभ्यास से सीखते हैं, अनुवाद का काम भी हम अभ्यास से सीख सकते हैं, और इसके लिए सबसे पहली शर्त है कि हमें भाषा ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है कि हमें जिस भाषा का अनुवाद कर रहे हैं और जिस भाषा में अनुवाद कर रहे हैं दोनों भाषाओं पर हमारा अधिकार होना चाहिए, उसकी समझ हमें होनी चाहिए। तो हम उस समझ को बढ़ाएँ, उसके लिए अभ्यास करें और अनुवाद पहले रफ में करें और फिर अंग्रेजी के मूल अवतरण से स्वयं को मुक्त कर पूरे अनुदित अवतरण को एक संपूर्ण रचना के रूप में पढ़ें। पहले रफ में करके धीरे धीरे उसको संशोधित करके हम उसको एक पूरा संपूर्ण रूप दें, उसको अंतिम रूप दें।
जो अनुवाद किया गया है उसमें ऐसे सामान्य परिवर्तन करें कि वह अनुवाद जैसा ना लगे, सब एक प्रवाह बना रहे उसमें। जब प्रवाह बना रहेगा तो वो सामान्य अनुवाद जो है वो अनुवाद जैसा ना लगकर वो वास्तविक लगेगा। इसलिए जो हम हिंदी में, क्योंकि हमारी परीक्षा में हिंदी में अनुवाद करना आएगा, तो हिंदी भाषा पर हम अपनी पकड़ बनाएं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा समाचार पत्र पढ़ें और उनको लिखने का प्रयास करें भाषा को, और हिंदी भाषा में अपनी रवानगी और उसकी जीवंतता को बनाए रखेंगे और सहजता बनी रहेगी, तभी वो अच्छा अनुवाद हो पाएगा। तो अनुवाद का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम नए विषय के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।